हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपको, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड -2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको ये बता रखा है कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके अंदर पी है, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर पी लाई कर रहा है और वो इस तरीके से लाई कर रहा है ताकि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले इसका। तो ये सपोज हो गया हमारा ए बी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -2, -2 एंड 2, -4 और यहाँ पर कहीं लाया कर रहा है पॉइंट पी। ठीक है, अब पॉइंट पी इस तरीके से बांट रहा है कि 3/7 ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ए पी है, ठीक है, जो पी पॉइंट है वो टोटल का ए पी इज टोटल, जो अगर हम मान रहे हैं कि ए बी को पूरे 7 पार्ट्स, ठीक है, तो ए पी कितना हो गया हमारा 3 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा 3 पार्ट। ठीक है, और टोटल कितना है हमारा 7 पार्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बचा हुआ पार्ट होगा दैट इज़ 4 पार्ट्स। ठीक है, ये समझ में आया कि ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। अब ए पी दे रखा है आपको 3/7, मतलब टोटल 7 पार्ट हैं, उसमें से 3 पार्ट ए पी के हैं। ठीक है, तो बी पी के कितने होंगे, बचे हुए पार्ट्स बचे कितने होंगे, टोटल 7 थे उसमें से 3 गए तो बचे कितने 4 पार्ट्स। ठीक है, तो बी पी की लेंथ हो गई आपकी 4 पार्ट्स, मतलब M1 आ गया आपके पास 3 और M2 आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो M1 M2 आ गया हमारे पास, M1 इज 3 एंड M2 इज 4। ठीक है, और आपको X1 दे रखा है, X1 इज -2 और X2 दे रखा है आपको 2। Y1 दे रखा है आपको -2 और Y2 दे रखा है आपको -4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, X, Y इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू x1 m2 + x2 m1 / m1 + m2। ठीक है, यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपको, तो x1 दे रखा है आपको -2 × m2 कितना है 4 प्लस x2 इज 2 × m1 दैट इज 3 upon 3 + 4 दैट इज -8 हो गया, ये -2 × 4 और ये हो गया आपका 2 × 3 = 6/7 तो ये हो गया आपका -2/7। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/7। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई इज y1 m2 + y2 m1 / m1 + m2। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो y1 कितना है हमारे पास -2 × m2 = 4 + y2 कितना दे रखा है आपको -4 × m1 = 3/3 + 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 × 4 तो ये हो गया हमारे पास -8 और -4 × 3 = -12/7 तो ये कितना हो जाएगा -8 और ±-12/7 तो ये हो गया -20/7। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -20/7। तो आपसे यही पूछा था कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2, -7 एंड -20, -7। ठीक है, यही निकालना था हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2, -7 एंड -20, -7। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।